दोस्तों अगर आपकी शॉर्ट वीडियोस पर यूट्यूब सर्च से व्यूज नहीं आते तो गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी शॉर्ट वीडियोस 1K 2K व्यूज पर जाने के बाद स्टॉप हो जाएंगी, उन पर व्यूज नहीं आएंगे, आपकी शॉर्ट वीडियोस भी वायरल नहीं होंगी। अगर आप अपनी शॉर्ट वीडियोस को वायरल करना चाहते हैं और अपनी शॉर्ट वीडियोस पर यूट्यूब सर्च टर्म से व्यूज लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। इसमें आपको एक ऐसा सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपनी यूट्यूब शॉर्ट्स पर यूट्यूब सर्च से व्यूज ला सकते हैं। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, पसंद आएगी तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको उस बात का सलूशन मिल जाएगा जो यूट्यूबर्स कहते हैं कि हम अपनी जब शॉर्ट्स का एनालिटिक्स ओपन करते हैं तो यहां पर हमें यूट्यूब सर्च टर्म का ऑप्शन ही शो नहीं होता क्योंकि आपकी शॉर्ट वीडियोस यूट्यूब सर्च में नहीं जा रही। यूट्यूब शॉर्ट्स को यूट्यूब सर्च में लाने के लिए सीक्रेट ट्रिक है जिसकी कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर करने लगा हूं स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, कोई पॉइंट इसका मिस मत कीजिएगा। दोस्तों हाउ टू वायरल शॉर्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, इसके लिए सबसे पहले आपने अपने वीडियो का टाइटल सर्च करना है कि किसी भी कैटेगरी की आपने वीडियो बनाई। फॉर एग्जांपल आप गैजेट्स पर वीडियोस बनाते हैं तो सबसे पहले आपने उसका टाइटल सर्च करना है कि किस तरह से आपने टाइटल लिखना है। शॉर्ट वीडियोस के टाइटल की लेंथ आपने विद स्पेस 60 वर्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इसमें आपने इमोजीज भी 2 या 3 इमोजीज भी आपने यूज करनी है। यहां पर यह विड आईक्यू की एप्लीकेशन, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से फ्री एप्लीकेशन है। यहां पर आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन नजर आएगा सर्च कीवर्ड्स का, यहां पर सबसे पहले मैं लिखता हूं गैजेट्स। गैजेट्स में जैसे ही लिखता हूं तो नीचे ये आपको ऑप्शंस देगा इसके ओवरऑल स्कोर का कि इसका सर्च वॉल्यूम 74% है और इसका कंपटीशन वेरी हाई है। यहां से आपको नीचे लेकर जाऊं तो यहां पर देखें कि आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये ड्रॉप डाउन एरो है, इसका सर्च वॉल्यूम आप क्लिक करें तो देखें यहां पर सर्च वॉल्यूम ओवरऑल स्कोर्स कितने हैं इसके। यहां पर इसी तरीके से आपने सबसे पहले अपने वीडियो का टाइटल सर्च करना है, उसकी लेंथ विद स्पेस और इमोजीज के साथ 60 वर्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब सेकंड नंबर पर बात आती है कि आपने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है। YouTube का सिस्टम कहता है, ये प्रूफ आपको दिखा रहा हूं कि जो आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन की 5 से 6 लाइंस होती हैं स्टार्टिंग की, इन्हीं में आप अगर अपनी वीडियो के टाइटल से रिलेटेड और अपनी वीडियो से रिलेटेड कीवर्ड्स लगाते हैं तो आपकी वीडियोस इन्हीं कीवर्ड्स की बेस पर सर्च में आती है, चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो या लॉन्ग वीडियो। ये आपको आपकी शॉर्ट वीडियोस की SEO करने बता रहा हूं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिससे आपकी शॉर्ट वीडियोस सर्च में जाएगी और YouTube सर्च से आपकी शॉर्ट वीडियोस पर व्यूज आएंगे और आपके शॉर्ट वीडियोस के एनालिटिक्स YouTube शॉर्ट्स टर्म की ऑप्शन भी ऐड हो जाएगी। अब दोस्तों थर्ड नंबर पर इसके आते हैं टैग्स, के टैग्स वाले बॉक्स में आपने क्या लगाना है। आपकी वीडियो की जो कैटेगरी है इससे रिलेटेड इसी विड आईक्यू की एप्लीकेशन को यूज करते हुए जो रिकमेंडेड ये टैग्स देता है, इन्हीं टैग्स को अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूज करें। इन तीनों चीजों की सिमिलैरिटी जब होगी कि आपकी वीडियो के टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स इक्वल होंगे, एक जैसे होंगे, एक ही पैटर्न के होंगे और एक ही चीज के बारे में हिट करेंगे तो YouTube का सिस्टम आपकी शॉर्ट वीडियोस को भी YouTube सर्च में शो करेगा, जिस पर YouTube सर्च से व्यूज आएंगे और आपकी वीडियोस वायरल होंगी। आपकी शॉर्ट वीडियोस को वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। इन ट्रिक्स को फॉलो करें, आपकी शॉर्ट वीडियोस जरूर वायरल होगी। थैंक यू।